दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस देश के रहने वाले हैं, भारत या फिर इंडिया, तो आप यही कहेंगे ना कि भारत और इंडिया एक ही तो है। फिर मैं ये कैसी बचकानी बात कर रहा हूँ। पर दोस्तों, सच यही है कि एक है अमीरों और शहरों का इंडिया, जिसकी चर्चा यहाँ न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर होती है, और दूसरा है गरीबों और गाँव का भारत, जो उसी न्यूज़पेपर की रद्दी से अपना गुजारा करता है। अब भी नहीं समझे तो दोस्तों बता दूं कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपतियों वाले देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। यहाँ 140 अरबपति हैं, जिनमें से 10 अरबपति तो वो हैं जो दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी शामिल हैं। पर दोस्तों, ये भी सच है कि भारत दुनिया के उन देशों में से भी एक है जहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है। मीडिया के कैमरे अरबपतियों के घरों का पता तो जानते हैं, लेकिन गरीब की कुटिया दीवारें लगाकर ढक दी जाती है। और देखा जाए तो आप और हम भी तो उसी गरीब भारत का हिस्सा हैं। तभी तो मास्टर डिग्री वाले भी 15-20 हजार की नौकरी करने पर मजबूर हैं। पर दोस्तों, हमसे भी ज्यादा बुरे हालात में तो वो लोग जी रहे हैं जिनके पास न तो खाने को खाना है और न ही रहने को छत। दोस्तों, देश में कोई आपदा आए या फिर आर्थिक संकट या फिर कोई महामारी अगर असर पड़ता है तो सिर्फ गरीब लोगों पर, जिनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन क्या है भारत में फैली इस गरीबी का पूरा सच? गरीबों के हाथ में कभी राशन कार्ड तो कभी सिलेंडर पकड़ाकर बनाए गए करोड़ों के बैनर, या फिर उसी बैनर के तले भीख मांगते 4-5 साल के बच्चे। दोस्तों, सच्चाई अक्सर कड़वी ही होती है, पर आंखें बंद कर लेने से अंधेरा खत्म नहीं हो जाता। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों है भारत अमीर लोगों का एक गरीब देश, फैक्टिफाइड स्पेशल्स के इस ताजा तरीन एपिसोड में। गरीबी क्या है? तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि असल में गरीबी यानी कि पॉवर्टी होती क्या है। क्योंकि अगर आप आईफोन चाहते हैं या फिर नई थार पर आपका मन आ गया है और आप उसे खरीदने की इच्छा रखते हैं और उसे खरीद नहीं पा रहे, तो दोस्तों इसे हम गरीबी नहीं कह सकते। साधारण भाषा में गरीब वो इंसान होता है जो अपनी बेसिक जरूरतें जैसे पौष्टिक खाना, सर के ऊपर छत, पहनने के लिए कपड़े और सेहत से जुड़ी जरूरतें तक पूरी नहीं कर पाता, या फिर कर पाता है तो बेहद मुश्किल से। दोस्तों, किसी भी देश में गरीबी रेखा को वहाँ की मिनिमम इनकम के बेस पर नापा जाता है। अगर सरकारी पैरामीटर्स की बात करें तो भारत के ग्रामीण इलाकों में 440 रुपए और शहरी इलाकों में 578 रुपए महीना या इससे कम कमाने वाले लोगों को ही गरीबी रेखा के नीचे गिना जाता है। यानी कि ऐसे लोग जिनकी एक दिन की इनकम गाँव में 27 रुपए और शहरों में 33 रुपए से कम है, सरकार उन्हें ही गरीब मानती है। और अगर यही सुनने में आपको कुछ अजीब लग रहा हो तो अभी और भी है, सुनते जाइए। सन 2005 में देश की बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, और अगर इनकी सबमिट की हुई रिपोर्ट की माने तो देश में तब 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। यानी कि देश का हर पांचवा नागरिक महीने के 446 रुपए या फिर 578 रुपए भी नहीं कमा पाता। पर दोस्तों, एक आदमी की जरूरत के हिसाब से ये पैसे बहुत ही कम है, और ये सरकारी आंकड़े भी एक बेमानी सी हैं। आज की महंगाई में तो एक दिन का 100 रुपए कमाने वाला आदमी भी भरपेट नहीं खा पाता। तो फिर क्या सिर्फ 27 रुपए प्रतिदिन से नीचे वाले लोगों को ही गरीब कहना सही होगा? ऐसे में भारत की गरीबी का अंदाजा लगाने में हम वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स की मदद भी ले सकते हैं। चूंकि हर देश की मिनिमम इनकम बेस अलग अलग होता है, इसीलिए वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स पर गरीबी सिर्फ मिनिमम इनकम बेस पर नहीं, तीन मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के आधार पर नापी जाती है, जिनमें से सबसे पहला है हेल्थ सिस्टम, दूसरा होता है देश का एजुकेशन सिस्टम, और इसे मापने का तीसरा और आखिरी इंडिकेटर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे कि इन तीनों इंडिकेटर्स में हमारे असल हालात क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की। किसी भी देश के हेल्थ सिस्टम में उसका न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, हेल्थ इंडेक्स यानी कि भुखमरी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि औसत उम्र जैसे फैक्टर्स को चेक किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में से एक है, और फल सब्जियों चावल आटे में भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसे में देश की 14% जनसंख्या माल नरिश्ड यानी कि कुपोषित रहे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है। क्या ये सुनकर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हंगर इंडेक्स 2020 के मुताबिक 107 देशों में भारत का रैंक 94वां है? और अगर आपको हंगर इंडेक्स के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि हंगर इंडेक्स दुनिया भर में फैली भुखमरी को नापने का एक इफेक्टिव टूल है। और दोस्तों, देश में भुखमरी का सबसे ज्यादा शिकार
18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जिनमें से जहां कई पैदा होते ही दम तोड़ देते हैं, तो जो बच जाते हैं वो कुपोषण का शिकार होते हैं। आपको भी सड़क किनारे कचरा चुन रहे और झूठा खाना खाते बच्चे देखकर हैरानी कहां होती है, ये तो यहां एक आम दृश्य है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में गरीबी के चलते 3 लाख से भी ज्यादा बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हैं। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि इस वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की हालत भी हमसे बेहतर है। और बात अगर अस्पतालों की करें तो उनका हाल तो आप पिछले कुछ समय से टीवी और यूट्यूब पर देख ही रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों का खर्च गरीब जनता उठा नहीं सकती और देश में सिर्फ 25,778 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें इलाज के लिए गरीब जनता को कितना संघर्ष करना पड़ता है आप में से कई जानते होंगे। एजुकेशन सिस्टम की हालत, दोस्तों गरीबी को मापने का दूसरा इंडिकेटर एजुकेशन यानी कि शिक्षा है। इस इंडिकेटर से ये पता चलता है कि किसी भी देश में कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। आंकड़ों की माने तो भारत का लिटरेसी रेट पिछले कुछ दशकों में काफी सुधरा है। हमारे देश के कुल 77.7% लोग लिटरेट हैं, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 84.7% और फीमेल लिटरेसी रेट 70.3% है, जो सुनने में तो अच्छा लगता है। पर एक सच ये भी है कि जहाँ सिर्फ 95% बच्चे ही प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ले पाते हैं, वहीं इनमें से भी 60% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो 9वीं क्लास के आगे पढ़ पाते हैं। आज भी भारत में 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए। मिड डे मील और फ्री एजुकेशन जैसी स्कीम्स के जरिए बच्चों को स्कूलों की तरफ आकर्षित तो किया गया, पर दोस्तों इन आंकड़ों में अब तक कोई खासा सुधार देखने को नहीं मिला है, क्योंकि गरीब परिवार बच्चों को स्कूल भेजने से बेहतर उन्हें काम पर भेजना सही समझता है, जिससे उनके घर की आमदनी में इजाफा हो सके। लेकिन इससे हमारे देश में चाइल्ड लेबर के केसेस भी बढ़ जाते हैं। ये सुनकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सख्त कानूनों के बावजूद आज भी हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार है। भारत में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दोस्तों हेल्थ और एजुकेशन के बाद अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, जो गरीबी का सबसे मेजर इंडिकेटर है। और इसे मापने के लिए सबसे पहले किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है, जिसे आप देश के नागरिकों की एवरेज इनकम भी कह सकते हैं। दोस्तों picardy.com ने एवरेज मंथली वेज 2021 की रिपोर्ट में 107 देशों का सर्वे किया था, जिसमें भारत का रैंक 72वां था। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एवरेज मंथली वेज $437 यानी कि ₹32,800 है। लेकिन ये एवरेज असलियत में बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि भारत में बेजोड़ आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। और हमारे देश की 50% से भी ज्यादा वेल्थ तो सिर्फ 1% सबसे अमीर लोगों के पास है। हकीकत में यहाँ एक आदमी की एवरेज इनकम कितनी है ये तो आप जानते ही हैं। वहीं दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, जहाँ का नागरिक 1 महीने में औसतन ₹4,49,000 यानी कि $5,900 से ज्यादा कमाता है। और चाइना, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों के नागरिक भी हमसे इस मामले में कहीं आगे हैं। यानी कि भारत में मिडिल क्लास कैटेगरी में गिना जाने वाला व्यक्ति भी इन देशों में गरीब है। इनकम के अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इलेक्ट्रिसिटी, साफ पानी, सैनिटेशन और प्रॉपर्टी प्राइजेस जैसे फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। देश में कितने लोगों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है और कितने लोगों को बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इनके बिना रहना आज के दौर में हमारे लिए नामुमकिन सा है। दोस्तों शहरों में अगर कभी 1 घंटे के लिए भी बिजली चली जाए तो हम ट्विटर पर ट्वीट करने लगते हैं। पर दोस्तों क्या आपने कभी भारत की उस 13% जनता के बारे में सोचा है जिनके घरों में आज भी बिजली नहीं है? हाँ, सरकार ने देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का दावा जरूर किया है, पर दोस्तों सच्चाई ये है कि देश के कई घरों में आज भी बिजली की सुविधा नहीं है। जिन गांव तक बिजली पहुंचाई भी गई है वहां भी ये कई कई घंटों तक गुल रहती है और इनका मीटर चलता रहता है। बात अगर पीने के पानी की करें तो इस मामले में देश के हालात और भी खराब है। यूनिसेफ के मुताबिक भारत में 50% से भी कम लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है। और नीति आयोग के मुताबिक तो भारत के 21 बड़े शहरों का ग्राउंड वाटर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। पानी के अलावा रहने के लिए एक घर का होना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों भारत में 1,08,000 झुग्गी झोंपड़ी से भरे स्लम्स हैं, जहां देश की 6.5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी बसती है। वैसे तो सरकार ने गरीब लोगों के लिए कई हाउसिंग स्कीम्स चलाई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे पॉपुलर है। पर दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं कि इस स्कीम के तहत मिलने वाले घर जरूरतमंदों को मिल पाएंगे, क्योंकि सरकारें तो पहले भी ऐसी स्कीम चला चुकी हैं, लेकिन गरीबों तक कितना पहुंचा ये सब जानते हैं। वहीं जहां सरकार एक तरफ हाउसिंग स्कीम्स चलाती है तो वहीं दूसरी तरफ
सरकारी विभाग लोगों को बेघर करने का काम करता है। दोस्तों पिछले ही साल की बात है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कागजी नोटिस भेजकर जम्मू कश्मीर की ट्राइबल कम्युनिटी गुज्जर और बकर वालों के घर उजाड़ दिए थे और इन लोगों को भारी बर्फबारी और सर्दी के बीच बेघर कर दिया था। इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग या तो मजदूर हैं या फिर भेड़ बकरी चराकर ही अपनी आजीविका कमाते हैं। इन लोगों ने पाई पाई जोड़कर जो आशियाने तैयार किए थे विभाग ने सरकारी जमीन बताकर वो घर गिरा दिए और अब ये लोग टिन की छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। इनकी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है क्योंकि ये भी उसी भारत का हिस्सा है जिसकी खबर अखबारों में कोई छोटा सा कोना तलाश ले तो भी बड़ी बात है। दोस्तों इन तीनों इंडिकेटर्स और अलग अलग रिपोर्ट से मिले इन आंकड़ों से देश की असली गरीबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कभी जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या कारण है कि आज वहां की इतनी बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे बसती है? आइए डालते हैं अब उन चार मेजर फैक्टर्स पर एक नजर जिनकी वजह से हमारे देश में इतनी गरीबी है। इनमें से सबसे पहला है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता। दोस्तों देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण अमीर गरीब का फर्क है जिसे हम वेल्थ गैप भी कहते हैं, यानी कि लोगों की आय में अंतर होना। और इसी अंतर के कारण भारत नजर तो अमीर आता है लेकिन यहाँ की आधे से ज्यादा जनता बहुत गरीब है। 2020 में ऑक्सफैम की एक स्टडी में ये बात सामने आई थी कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास नीचे की 70% जनसंख्या की कुल संपत्ति से भी 4 गुना ज्यादा संपत्ति है। और दोस्तों कोरोना महामारी के चलते जो काम धंधे बंद हुए हैं उससे ये फर्क और भी बढ़ गया है। इस साल के शुरुआत में अडानी की इनकम में आया $16 अरब का उछाल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जहां बेरोजगार काम और गरीब भरपेट खाने के लिए मारा मारा फिर रहा है, वहीं अंबानी, अडानी, शिवनादर और लक्ष्मी मित्तल जैसे भारतीय अरबपतियों की इनकम इसी महामारी के दौरान कई गुना बढ़ी है। महामारी के पहले 5 महीनों में ही 2 करोड़ से ज्यादा सैलरीड इम्प्लॉयज ने अपनी जॉब खोई थी, जबकि इन इंडस्ट्रियलिस्ट पर इनका कोई असर पड़ा हो ऐसा लगता नहीं। अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। शायद अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने भारत को अमीर लोगों का एक गरीब देश क्यों कहा था। और दोस्तों गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है बढ़ती बेरोजगारी और कम लेबर कॉस्ट। दोस्तों लोगों की नौकरी जाने से देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है, पर इसमें सिर्फ महामारी या फिर लॉकडाउन का ही दोष नहीं है। लॉकडाउन से पहले भी देश में बेरोजगारी का स्तर कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि लॉकडाउन ने उन लोगों को भी बेरोजगार कर दिया है जिनके पास पहले रोजगार था। और जिन लोगों के पास रोजगार है भी उनका हाल भी कुछ खासा अच्छा नहीं है। दोस्तों देश की 70% जनता किसानी करती है जिनका हाल अब पूरी दुनिया जानती है, वहीं बाकी बची जनता लो लेबर कॉस्ट यानी कि सस्ती लेबर का शिकार है। भारत उन देशों में आता है जहाँ की लेबर कॉस्ट बेहद कम है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज भी भारत में अपने प्लांट इसलिए लगाती हैं क्योंकि भारत में उन्हें अपने देश के मुकाबले सस्ते कर्मचारी मिल जाते हैं। रोजगार के नाम पर भत्ता मजदूरों को कंपनियां बेहद कम रेट पर दिहाड़ी पर काम करवाती हैं, और अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी मजदूर की मौत हो जाए तो उसके परिवार को भी कोई खासा मुआवजा नहीं मिलता। सिर्फ अनस्किल्ड ही नहीं स्किल्ड वर्कर्स का भी यही हाल है। हमारा देश दुनिया के उन 5 देशों में से एक है जहां सबसे कम सैलरी पर नियमों से ज्यादा घंटे काम कराया जाता है। इस लिस्ट में कतर, मंगोलिया, गाम्बिया और मालदीव ही वो 4 देश हैं जो भारत से आगे हैं। जहां भारत में एक व्यक्ति हफ्ते में औसतन 48 घंटे काम करता है, वहीं अमेरिका की बात करें तो वहां सिर्फ 34 से 40 घंटे काम किया जाता है, जिसके लिए उन्हें एक भारतीय के मुकाबले औसतन 5 से 6 गुना सैलरी भी मिलती है। और यही वजह है कि ज्यादातर भारतीय विदेशों में नौकरी करना पसंद करते हैं, और जो विदेश नहीं जा पाते वो यही कम सैलरी पर ज्यादा घंटे काम करने पर मजबूर हैं। यानी कि जिसके पास रोजगार है वो भी एक तरह से गरीब ही है। नंबर 3, सेविंग्स पर फोकस, इन्वेस्टमेंट पर नहीं। दोस्तों भारत में गरीबी का एक कारण सेविंग्स भी है। दुनिया भर के देश इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को प्रमोट करते हैं, जबकि भारत में लोग अभी भी सेविंग्स पर ही जोर दिए हुए हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी ना हो कि बैंक सेविंग्स के नाम पर गरीब लोगों को कम दर पर ब्याज देकर एक तरह से लूटने का ही काम करते हैं और खुद उस पैसे का इस्तेमाल बॉन्ड, लोन और शेयर्स में करते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे देशों में लोग FDI स्कीम, म्यूचुअल फंड्स, ई गोल्ड, शेयर्स, बॉन्ड्स या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनकी और साथ साथ उनके देश की इनकम में भी सुधार होता है। लेकिन दोस्तों हमारे देश में एजुकेशन की कमी की वजह से
आम जनता को इन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के मतलब भी नहीं पता होते, इसीलिए वो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपनी जिंदगी नहीं सुधार पाते। नंबर 4, वोटिंग राइट्स को लेकर जागरूकता की कमी। दोस्तों, बढ़ती गरीबी का सबसे बड़ा और आखिरी कारण राजनीति है, क्योंकि अगर आजादी के बाद से ही सरकार और राजनीतिक पार्टियों ने इन एरियाज में काम किया होता तो आज भारत में एक व्यक्ति की औसतन आय अमेरिका के बराबर होती। पर दोस्तों, सच्चाई यही है कि पार्टीज के लिए गरीबी वो मुद्दा है जिसके दम पर वो आसानी से चुनाव जीत सकती हैं। अगर देश में गरीबी कम होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी रैलियों में आने के लिए लोग कहां से मिलेंगे, और अगर लोग पढ़ लिख गए तो क्या वो सही सवाल नहीं पूछने लग जाएंगे। इसीलिए एक सिस्टमैटिक तौर पर जनसंख्या की एक बड़ी आबादी को गरीब और अनपढ़ रखा जाता है ताकि इसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जा सके। शिक्षित इंसान अपने वोटिंग राइट्स को लेकर ज्यादा जागरूक होता है, और अगर सभी देश की तरक्की की ही बात करने लगे तो इन नेताओं के मोटे मोटे पेट कैसे भरेंगे। इसीलिए दोस्तों, नेता वादे कितने भी करें लेकिन गरीबी को वो पूरी तरह से खत्म करेंगे इस पर यकीन करना बेवकूफी है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, पॉवर्टी इंडेक्स के इन सभी इंडिकेटर्स और गरीबी के इन कारणों के आधार पर देखें तो भारत की 60-70% जनता आज भी गरीबी में ही जी रही है। और मैंने तो आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि हम आपको भारत की गरीबी का सिर्फ सच ही नहीं बल्कि इसका सॉल्यूशन भी सुझाएंगे। और दोस्तों, इस समाधान में ये घिसी पिटी लाइनें कि अगर शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, सरकारें मिनिमम वेजेस बढ़ा दें और अगर बेरोजगारी कम हो जाए तो ये गरीबी कम हो जाएगी, नहीं मारने वाला, क्योंकि ये सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में अगर कुछ है तो वो है अपना वोट। एक आम नागरिक के तौर पर आपको भले ही अपने वोटिंग राइट की वैल्यू का अंदाजा ना हो, पर दोस्तों, आपका एक एक सही वोट भारत की पूरी तस्वीर बदल सकता है। चुनाव चाहे नगर निगम का हो या फिर ग्राम प्रधान का या फिर लोकसभा का हो, आप पहले कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़िए, उम्मीदवार के क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी चेक कीजिए, और पार्टी, धर्म या पंथ पर कम ध्यान देकर क्षमता के आधार पर ही किसी उम्मीदवार को वोट दीजिए। राजनेताओं की वाहवाही करने वाली खबरों को बॉयकॉट करें और सच को पहचानना सीखें। दोस्तों, सत्ता में बैठे नेता पढ़े लिखे हो या नहीं, लेकिन जब तक जनता समझदार नहीं बनेगी तब तक सरकारें भी मनमानी करती रहेंगी। तो खुद को असहाय और लाचार समझना बंद करो, क्योंकि कोई भी सरकारी स्कीम हो या प्रोजेक्ट, पैसा आप ही की जेब से जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने चश्मे पर जमी थोड़ी सी धूल को तो हटाया ही होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हाजिर होंगे जल्द ही स्पेशल्स के एक नए एपिसोड में। तब तक अपना, अपने परिवार का और पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।